पहला प्रश्न है, डैश निर्माणवादी ढांचे का सिरजक है। इंग्लिश विच कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। सब तो पहला ये जान लेना जरूरी है कि इस नाल तुसी होर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो कि इन्हां विचों कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है। नंबर एक ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये पूछा जा सकता है। ब्रूनर केड़े कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो जुड़ता है वाइगोत्स्की ते जॉन डीवी ने जुड़ता है। दूसरे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा साढ़े को पियाजे साहब हैं जेडे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। हुण जंग साइको एनालिस्ट जा रहे ने, इत्थे क्रॉस हो जाता है। बांदुरा बिहेवियरिज्म ते कॉग्निटिविज्म दा कंबीनेशन है, जिहड़ी ऑब्जरवेशनल लर्निंग जिन्हां दी थ्यूरी दा नाम है जिसनों सोशल लर्निंग थ्यूरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, हुण है कि इन्हां दे विचों फादर या प्रोपोनेंट कौन है, क्योंकि पियाजे दी थ्यूरी लगभग 1936 दे करीब आई है, पब्लिश होया पहला इन्हां दा जो थ्रेटिकल फ्रेमवर्क है थ्यूरी दा। तो ब्रूनर दा लगभग होया है 61 तो या 66, सॉरी 60, हाँ 66 दे करीब। सो पियाजे इस दा राइट आंसर बन रहा है कि पियाजे इज प्रोपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। होर क्वेश्चन केड़े बन सकते हैं। सब तो पहला पियाजे ने कहा सी कि लिटल साइंटिस्ट लर्नर लिटल साइंटिस्ट है, और एक्टिव लर्निंग की गल की इन्होंने। बच्चा इंटरैक्शन नाल खुद मीनिंग मेक करता है, जहाँ जिसनों तुसी डिस्कवर मीनिंग कह सकते हो, डिस्कवर मीनिंग। ओके, जे डिस्कवरी लर्निंग पूछा जाता है तो वह ब्रूनर दी थ्यूरी नूं डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। ये शब्द कन्फ्यूज कर सकता है, जदों भी ये शब्द आता है कि मीनिंग डिस्कवर करता है, नॉलेज नूं डिस्कवर करता है, नॉलेज नूं कंस्ट्रक्ट करता है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म ही होएगा। सो पियाजे ने कहा सी कि नॉलेज नूं बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ना कि मापे जां अध्यापक उसनों बनी बनाई नॉलेज देंगे ने। हाँ, उसकी थ्यूरी विच ट्रांसमिशन की गल है, लेकिन इतने डिटेल विच नहीं की जाएगी। सो पहला साड़ा आंसर है पियाजे, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क उन्होंने दिता। दूसरा है वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दूसरा क्वेश्चन की है, वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम इफ एन इंडिविजुअल रीचिज द सोल्यूशन ऑल ऑफ ए सडन, सडन नूं अंडरलाइन करांगा। जेकर एक समस्या का समाधान करते हुए एक व्यक्ति उसका हल को ना अचानक ही पहुंच जाता है, अचानक, इसलिए मैं अंडरलाइन किया है कि जो ऑप्शन ने उन्हां विचों अचानक शब्द बिल्कुल किहदे नाल जुड़ता है। जे उसका राइट आंसर सीधा पूछना है वह इनसाइट थ्योरी है। ओके, इतने ऑब्जरवेशन कोई थ्योरी नहीं है, ऑब्जरवेशन सीधा डिलीट हो रहा है। और इमिटेशन, हाँ अल्बर्ट बांदुरा की थ्योरी इमिटेशन से जोर दिंदी है, लेकिन एकदम सल्यूशन लभ जाना तो इमिटेशन, इसनों नकल नकल भी कह सकते हैं। कोई बिहेवियर बच्चा मम्मी पापा का या ब्रदर सिस्टर का टीचर का देखता है तो हूबहू खुद करता है, उसनों इमिटेशन नकल कहते हैं। हुण जिहड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, जां नवां क्वेश्चन का आंसर तुसी इहदे विचों होर लभना है, इहदा राइट आंसर इनसाइट है। लेकिन दूसरा ट्रायल एंड एरर नाल इहदी इहदी तुलना की जा सकती है। ट्रायल एंड एरर नाल कंपेयर जदों करते हाँ असीं, ट्रायल एंड एरर नाल कंपेयर करते हाँ तो एक फर्क नज़र आता है। एक डायग्राम बना के तुहानूं सामने रखांगा। मान लो ये ट्रायल वन है, ट्रायल टू है, ट्रायल की है कोशिश एक, कोशिश दो, कोशिश तीन, चार, पांच, छे, सात, आठ, नौ, दस। जिहड़ी ट्रायल एंड एरर थ्यूरी है वह लर्निंग नूं किस तरह एक्सप्लेन करती है कि जो लर्नर है वह किन्नियां एरर करता है, एरर्स। ओके, एरर्स किदां गिणदे है कि किसे प्रॉब्लम का हल करन लई कोई टाइम किन्ना लैंदा है। ओके, ये एक्सपैरिमेंट दे विच है जिहड़ी कि थॉर्नडाइक ने एक कैट नूं भुखे रख के पिंजरे विच बंद करके ये देखिया सी। हुण वह कैट किन्ना ज़्यादा टाइम लैंदी है, जिन्ना ज़्यादा टाइम लैंदी है वह प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन, वह पिंजरा खोलन लई, उन्नी ही वड्डी एरर गिणिया जाता है।
ठीक, मान लो बिल्ली पहले दिन इन्नी एरर कर इन्ना टाइम लेंदी है, तो दूसरे दिन थोड़ा जा कट टाइम लेंदी है, तीसरे दिन थोड़ा जा, चौथे दिन थोड़ा जा कट, पंजवें दिन थोड़ा जा कट, थोड़ा जा कट, थोड़ा जा कट, हौली हौली की है कि जिहड़ी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ग्रेजुअली हौली हौली एरर कटदी है, जिदा जिदा एरर कटदी है उस तरह जिहड़ी है लर्निंग इनक्रीज हुंदी है। जिहड़ी इनसाइट थ्योरी है वह चिंपैंजी की थ्यूरी है, चिंपैंजी ने बनाना जड़े बहुत उच्चे टंगे हुए ने उन्हें अचीव करना है तो उसके कोल ब्लॉक पे हैं, वो सारी सिचुएशन नू देखता है, सिचुएशन नू देख ही जा रहा है, लेकिन पहली च देख लिया है, इधर उधर देख लिया, कोई सल्यूशन नहीं मिलिया, कोई सल्यूशन नहीं मिलिया, कोई सल्यूशन नहीं मिलिया, ट्रायल अगला कोई सल्यूशन नहीं मिलिया, कोई सल्यूशन नहीं मिलिया, एकदम उसनू ख्याल आता है कि ब्लॉक्स नू रख के मैं बनाना नू अचीव कर ला। सो ये एकदम जिहड़ा ख्याल आया सडन सडन, ये इनसाइट थ्यूरी का सेंट्रल आइडिया है। सो जो सडन सल्यूशन है तो इनसाइट थ्यूरी है, जो ग्रेजुअल स्टैप बाय स्टैप जो है सॉरी ग्रेजुअल एंड एरर रिडक्शन है उदो ट्रायल एंड एरर है। अगला क्वेश्चन है हेठ लिखिया विचों नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन्होंने लिखिया नहीं है, दे पोजिशन पेपर, पोजिशन पेपर की होंगे हैं इतने मैं दस देव कि किसी सब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल साढ़े स्कूल सब्जेक्ट ने साइंस है, मैथ्स है, लैंग्वेज है, उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशनल टीचिंग लर्निंग रिलेटड प्रॉब्लम चैलेंजेस जो इन्हों की पोजिशन डिस्क्राइब इंडिया के एजुकेशनिस्ट करते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन होंगी है। ये डॉक्यूमेंट कुछ एक होंगे ने भी 25-30 पेज के हो सकते हैं, 15 पेज का हो सकता है, है ना। सो वो पोजिशन पेपर पढ़ने जरूर चाहिए हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पोजिशन पेपर की गल करते हैं कि प्रीख्या के संबंधी किहड़े सुधार को प्रमुख रूप में उजागर किया गया है। अच्छा, सिंपल देखना होवे तां तुसी ये देखो कि रिजैक्ट किनू किनू कर सकते हाँ असी। नंबर एक के एम्फसिस ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस, कदे भी टेस्ट परफॉर्मेंस नू, ईवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी टेस्ट परफॉर्मेंस पर जोर नहीं दे रही, इनू रिजैक्ट कर रही है, इसलिए सब तो पहला इनू रिजैक्ट करते हैं। इहदे विच अट्रैक्ट करन वाला शब्द फ्लैक्सीबल है, ये तो भुलेखा खा सकते हैं, हाँ फ्लैक्सीबिलिटी तो नवी पॉलिसी तो जो पिछला करिकुलम फ्रेमवर्क है हुण दा नवा करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है वो फ्लैक्सीबिलिटी जोर दे रहा है, लेकिन इतने कादी फ्लैक्सीबिलिटी है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट कोई वड्डी चीज़ नहीं है, इहदे बेस ते असी इस नू रिजैक्ट कर रहे हैं। हुण साडे को दो बचे ने ओपन बुक एग्जाम ते कंटीन्यूअस असैसमेंट, इत्थे ये याद रखने वाली गल है कि कॉम्प्रीहेंसिव ते कंटीन्यूअस असैसमेंट एक तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा CBSE जो देखे हो कंटीन्यूअस असैसमेंट से फॉरमेटिव असैसमेंट से जोर दिता गया है, ईवन नवी पॉलिसी ने भी इतने जोर दिता गया है। सो असी राइट आंसर चुन रहे हाँ कंटीन्यूअस असैसमेंट नू, ओपन बुक एग्जामीनेशन नू क्यों डिसकरेज कर रहे हाँ कि ओपन बुक एग्जामीनेशन दे नाल इन्ने वड्डे रिफॉर्म नहीं आ सकते, हाँ इसनों अप्लाई करना इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा कठिन है। ओपन बुक सुजेस्ट किए गए सी, ओपन बुक सिस्टम की हुंदा है वैसे बड़ी अजीब गल है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का एग्जाम है तो पीरियोडिक टेबल उन्होंने प्रोवाइड कर देना, जिहड़ी इनफॉर्मेशन नॉर्मली बच्चे रोट मैमरी ज क्रैम करते हैं वो उन्होंने बुकिश जां हेल्प दे तौर ते एग्जाम विच उस वक्त प्रोवाइड कर दिती जावे, बाकी काम वो इंटलैक्चुअली कोगनेटिवली करन, ये सुजेशन दिता गया सी स्ट्रेस रिडक्शन लई। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल जिहड़ा सिंधा चार ऑप्शन ने उसनों ऑर्डर विच करना है, अटेंशन रिटेंशन प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, क्योंकि मैनू पता है ये अल्बर्ट बांदुरा दी सोशल लर्निंग थ्योरी, नाम इसलिए दस रहा हाँ क्योंकि अगे इस ते क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा इसका नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी,
उस दिया चार स्टेजेस हैं उन्होंने पाया गया है। अच्छा उदे विच ए थ्योरी है की है, अच्छा इसका नाम मॉडलिंग थ्योरी भी है, मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी है। इट मीन्स कोई शख्स मॉडल होएगा, फॉर एग्जांपल टीचर मॉडल हो गया, ए टीचर है जी, ए मॉडल है, कुछ ए डेमोस्ट्रेट कर रहा है, कुछ डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं क्लास विच, ते लर्नर इन्हों देख रहा है, लर्नर देख रहा है, सब तो पहला लर्नर इन्हों के बिहेवियर नू देख रहा है, जान सुन रहा है। हुन ए चीज़ की है अटेंशन फर्स्ट, ओके। दूसरा जो चीज़ इन्होंने देखी है कि लैबोरेटरी विच एक टीचर इस तरह नाल एक्सपेरिमेंट नू कर रहा है, इनू अटेंड कर रहे ने, उस तो बाद अटेंड करन तो बाद उसनू माइंड विच सुरक्षित रखेंगे, उसनू कहता रिटेन रिटेंशन। इट मीन सेकंड स्टेप ये बिल्कुल ठीक है। हुण तीजा स्टेप की है कि टीचर इन्हों कह सकता है कि बेटा जो एक्सपेरिमेंट हुण मैं डेमोस्ट्रेशन दित्ती है, मॉडलिंग कीती है, वो तुसी दोहराओ। हुण वो की करदे ने प्रोडक्शन, ते जेकर ओही बिहेवियर लर्नर प्रोड्यूस कर लैंदा है तां उसनूं एक खुशी मिलती है, रीइनफोर्समेंट मिलती है कि उसने सक्सैसफुली कर लिया है। दिस इज नोन एज मोटिवेशन। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट नू अंडरलाइन करांगे ए, हे ठिकियां विचों केड़ा समाजिक संवाद राही बच्चों के ज्ञान विकास विधि विच शामिल नहीं है। दो फोकस किए हैं समाजिक संवाद राही। समाजिक संवाद पता है कि सानू इत्थे मीडिएशन की गल की गई है, हाँ इंग्लिश विच नाल जरूर देख लेना चाहिए है, सोशल मीडिएशन या सोशल डायलॉग, ठीक। इट मीनस घट्टो घट दो परसन हैं जेड़े आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, किड़ा नहीं होएगा। स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट, सोशल लर्निंग, इंटरनलाइजेशन, इसलिए सानू सारे दे मीनिंग भी पता होने चाहिए हैं। एक गल पक्की है कि सोशल सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोगनेटिव डिवेलपमेंट वाइगोत्स्की दी है, जो वो जेड पी डी की गल करते हैं। जेड पी डी नू जे देखना है आप इधर देखते हाँ, एक मिनट, हाँ जी ए अच्छा जेड पी डी दे तीन जोन हैं। एक पहला जोन है कि बच्चे नू जेकर तुसी हेल्प भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा साइकिल सीखना चाहता है ता उस दी जो एज है बायोलॉजिकल मैच्योरिटी इन्नी आ चुकी है कि उसनू साइकिल तुसी चार महीने दे बच्चे नू साइकिल नहीं सिखा सकते। सो ए ओ जोन है जदों तुसी हेल्प प्रोवाइड करदे आ फिर भी बच्चा नहीं सीख सकता, कैन नॉट डू, ए वाली जोन। एक स्टेज आती है कि वो एक्टिविटी हेल्प दे नाल कैन डू वैन हेल्प, ओ उदे नाल सीख सकता है। जदों ये आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि ये एक्टिविटी विद हेल्प सीख सकता है, उदों जेड पी डी जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट शुरू हो जाती है। जदों इन जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट शुरू होती है नाल ही हेल्प भी शुरू हो जाती है, मतलब 100% हेल्प बच्चे नू सब तो पहला दिती जाती है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे मम्मी पापा जां ब्रदर सिस्टर जिसने भी साइकिल सिखाया होगा पूरी तरह उन्होंने पकड़िया होया है, बच्चे दी फर्स्ट टाइम उसनू लिखना सिखाना है तो मम्मी पापा ने जां टीचर ने पूरी तरह कलम नू फड़ लिया है, सो 100% हेल्प है। हौली हौली बच्चे नू एक्सपीरियंस दिता जाता है, हेल्प नू घटाया जाता है। जो मैं डायग्राम बना रहा है हेल्प घट रही है, जिदा जिदा हेल्प घट रही है लर्निंग वध गई है, इत्थे जीरो हेल्प हो गई, 100% लर्निंग हो गई। जदों ही 100% लर्निंग हो गई तो तीजी जोन विच बच्चा एंटर कर गया कि वो स्किल विच माहिर हो गया, कैन डू विदाउट हेल्प। सो स्कैफोल्डिंग ये जिहड़ी हेल्प प्रोवाइड करना है स्कैफोल्डिंग है, तो ये जिहड़ा जोन है जेड पी डी है। वापस चलते हाँ, जेड पी डी ते स्कैफोल्डिंग है, मैं क्यों समझाया है, जेड पी डी ते स्कैफोल्डिंग नाल नाल चलते हैं। इट मीनस कि इस प्रश्न विच ए वाला क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक है कि सोशल डायलॉग दे जरिए स्कैफोल्डिंग जरूरी है और जेड पी डी जरूरी है। हुण साडे को ऑप्शन बचे हैं सोशल लर्निंग ते इंटरनलाइजेशन, इहदे विचों किहड़ा नहीं हुंदा। इहदे विचों जे असी गैसवर्क भी लगाने तो सानू ईजी कर रहा है किहड़ा कि स्कैफोल्डिंग सॉरी सोशल लर्निंग सोशल डायलॉग ना होएगी। इंटरनलाइजेशन की हुंदा है कि कोई बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, जो कोई हैबिट है
वो तुहाड़ी पर्सनैलिटी का परमानेंट पार्ट बन जाती है, परमानेंट ईवन वो तुहाड़े अनकॉन्शियस विच वस जाती है। फॉर एग्जाम्पल तुहाड़े रिलीजियस, जे तुसी अपने रिलीजियस प्लेस ते जांदे हो उत्थे कुछ जकारा लाया जाता है जां कुछ बोलिया जाता है, वट एवर रिचुअल्स उत्थे हुंदियां, तुसी उसनू अनकॉन्शियस तक एक्सैप्ट कर चुके हो, तो जदों ही उदां दे एनवायरमेंट जाने हो एकदम उस तरह हो जाता है। सो दिस इज़ प्रोसैस ऑफ इंटरनलाइजेशन, कि उहदा पार्ट बन जाता है। सो असी इत्थे क्योंकि नॉट पुछया गया है तो राइट आंसर इस नूं असी चूज कर सकते हाँ, क्योंकि इंटरनलाइजेशन लोंग प्रोसैस है, थोड़े जे डायलॉग दे नाल इंटरनलाइजेशन नहीं हुंदी, उस प्रैक्टिस नूं बार बार रिपीट किया जाता है और तुसी उसनों एक्सैप्ट कर लेंदे हो। मैरिज तो बाद लड़की पहले दिन सब कुछ एक्सैप्ट नहीं कर लेंदी, लेकिन कोर्ट 7 साल का टाइम लेंदी है, 7 साल तक यह मनिया जाता है कि इंटरनलाइजेशन अकोमोडेशन पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए चाइल्ड इज नॉट, नॉट नू अंडरलाइन करांगे, जदों एक बच्चा द्रव्यमान दी सुरक्षा, इसलिए तो इंग्लिश विच पढ़ना पैना है क्योंकि प्याजे का एक कंसैप्ट है कंजरवेशनल ऑफ मास विच लॉजिकल ऑपरेशन ही इज नॉट एबल टू कैरी आउट। जो कोई बच्चा द्रव्यमान सुरक्षाता का संकल्प नहीं कर सकता तो कि तार्किक क्रिया करन विच वो असमर्थ है। वैसे वेरी ईजी, जदों भी कंजरवेशन कंसैप्ट आता है एक कंसैप्ट रिवर्सेबिलिटी तो बिना इनकंप्लीट है, रिवर्सेबिलिटी तो बिना इनकंप्लीट है। हाँ, राइट आंसर इज द रिवर्सेबिलिटी है, पर इसको समझ लेना चाहिए है क्योंकि और कोई क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, कन्फ्यूजन की कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम, इन्हें सारे कंसैप्ट समझ लेने चाहिए हैं। असी देखते हाँ कि कंजरवेशन ऑफ मास ते रिवर्सेबिलिटी का की संबंध है। वापस चल के एक ए एड देखते हाँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चे नूं ए दिखाया जाता है कि बॉल है, बॉल इत्थे दिखाई जाती है, सेम बॉल एदा साइज, एदा साइज पहले दिखाया जाता है, बच्चे नूं पूछा जाता है कि दोनों बॉल सेम हन, फिर उसे दे सामने इस एक बॉल नूं जो अडल्ट है वह प्रेस करके रोल कर देता है उहदे सामने ही। ठीक, पहली स्टेज विच दो बोल इकट्ठियां सन, हुण इसनों रोल करके स्नेक जिहा बना दिता गया है। फिर बच्चे नूं पुछा जांदा है कि बेटा ये जो मिट्टी है ये दोनों, ए वाली मिट्टी, ए वाली मिट्टी ते ए राउंड जिहड़ी सी, ए बराबर हन जां ए ज़्यादा है ए घट है, जां ए ज़्यादा है ए घट है। इस इमेज विच जो इसनों रब करदा, बच्चा ये कह रहा है कि ए ज़्यादा है, इट मीनस उसने देखा सी सेम ही मिट्टी सी उसनों ही प्रेस करके किया गया, लेकिन वो ऑपरेशनली, ऑपरेशन की है कि वो अपने माइंड विच रिवर्स नहीं सोच सकिया कि इसे तो ही ये मिट्टी नू प्रेस करके बनाया गया है, इसलिए वो इररिवर्सेबिलिटी विच हजे बच्चा है कि मेंटली किसी ऑपरेशन दे स्टार्टिंग पॉइंट ते वो नहीं पहुंच सकता। जो पहुंचना शुरू कर कर जाता है उसनों क्या जाता है रिवर्सेबिलिटी। ओके, तो साढ़े उत्थे जिहड़ा आंसर है उत्थे नॉट रिवर्सेबिलिटी, सॉरी नॉट स्टेम विच नॉट लिखा है, इसलिए इररिवर्सेबिलिटी भी हो सकता है, इत्थे नॉट भी है। राइट आंसर यही रहना है, कंजरवेशन दे नाल जदों भी जिहड़ा एसोसिएटर ऑपरेशन है जिहदी रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल नेसेसिटी शब्द एक्चुअल आर्टिकल विच जो प्याजे दा एक्चुअल आर्टिकल है उस विच उन्होंने वरत्या है, जद तक रिवर्सेबिलिटी डिवेलप नहीं हुंदी माइंड विच तद तक वो कंजरवेशनल टास्क नूं सक्सैसफुली पूरा नहीं कर सकता। सो राइट आंसर साडा ओही है। वापस चलते हाँ, होर कंसैप्ट नूं समझ लईए। दूसरा कंसैप्ट है कि इक्विलिब्रियम की हुंदा है। इक्विलिब्रियम जो है जदों प्रीवियस नॉलेज, पी के मैं इत्थे लिखिया है, प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज नू गेन कर लेंदी है, न्यू नॉलेज जां न्यू प्रॉब्लम नू सॉल्व कर लेंदी है। ठीक है, तां उसनू कहिंदे है एसिमिलेशन, 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 जदों प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज नू गेन कर लेंदी है, अबजॉर्ब कर लेंदी है,
उसनू एडजस्ट कर लेंदी है, फिट कर लेंदी है, मैच कर लेंदी है, उदों असिमिलेशन है। तो जदों ही असिमिलेशन है उदों इक्लिब्रियम है, इक्लिब्रियम पूरा नहीं लिखांगा, इक्लिब्रेशन उदों है। मतलब के प्रीवियस नॉलेज ते न्यू नॉलेज दे विच बैलेंस बनिया रहा। जदों प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज नू जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जां सौखा करके करना, प्रीवियस नॉलेज न्यू प्रॉब्लम नू सॉल्व नहीं कर पाती, नॉट है ना, उदों वो स्टेट केड़ी बन जाती है डिसइक्लिब्रम दी, डिसइक्लिब्रम दी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होया ते जेड़े प्रीवियस नॉलेज नू उन्हूं सोचना पै रहा है लर्नर नू कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, तो एक उन्हूं टेंशन हो जाती है, टेंशन। ओके, वो टेंशन जिहड़ी कोगनेटिव टेंशन है उसनू डिसइक्लिब्रम कहिंदे हन। डिसइक्लिब्रम जदों हुंदा है उदों फिर बच्चे नू इक्लिब्रम स्टेट विच जाण लई, इहदे इत्थे जाण लई बैलेंस करन लई, प्रीवियस ते न्यू नॉलेज विच बैलेंस करन लई, उसनू प्रीवियस नॉलेज विच जिसनू स्कैमा कहिंदे हन उस विच चेंज करना पैंदा है। जदों इह चेंज कर लिया जांदा है उसनू कहा जाता है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। ओके, सो अडैप्टेशन प्रोसैस दो प्रोसैस के जरिए होंदी है, नॉलेज जिहड़ी है, स्कैमा जिहड़े हन वो चेंज किद्दां हुंदा है, एक असिमिलेशन नाल वो स्लाइट चेंज है, दूसरा स्कैमा पूरा चेंज करना पैंदा है उसनू अकोमोडेशन कहिंदे हन। ये दोनों प्रोसैस नू मिलके अडैप्टेशन प्रोसैस बनती है। तो ये जिहड़ा असी कंसैप्ट लर्न किया है इक्लिब्रम का, जदों पुरानी नॉलेज नवी नॉलेज अबजॉर्ब हो जाती है उसनू सॉल्व करन विच हेल्प करती है, वह इक्लिब्रम है। तो जाके देखते हाँ कि साडा जिहड़ा क्वेश्चन है उसका ये भी आंसर नहीं बनता, लेकिन हाँ क्योंकि कंसैप्ट क्लीयर होना जरूरी सी इसलिए इत्थे समझाया गया है। सो ये भी नहीं है, अडैप्टेशन टोटल प्रोसैस है नहीं है, इनफ्रेंसिस इतने बिल्कुल नहीं है। सो राइट आंसर इज रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट रिगार्ड्स लैंग्वेज एज यूनिकली ह्यूमन अकॉम्पलिशमेंट अचीवमेंट कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। जदों ही ब्रेन की गल आ रही है उदो हैरिडिटी डोमीनेट कर दी है, बायोलॉजिकल आस्पेक्ट डोमीनेट कर रहे हैं, और जिथे हैरिडिटी डोमीनेट जिथे करती है उस उन्हें जेडे ये कहते हैं कि हैरिडिटी जीन्स जिनेटिक जड़ा स्ट्रक्चर है वो लैंग्वेज लर्निंग नू इन्फ्लुएंस करता है, उस स्कूल नू नेटिविस्ट स्कूल कहा जाता है। इस इहदी जगह ते जे हैरिडिटेरियन लिखा होएगा तो भी वह राइट आंसर होएगा। सो वो चोमस्की दी थ्योरी जिहड़ी LAD दी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसने ही इस तरह एक्सप्लेन किया है। अच्छा, बाकी स्कूल ऑफ थॉट भी समझ लेने चाहिए हैं, स्कूल ऑफ लर्निंग सॉरी, बिहेवियरिस्ट बिल्कुल ये उल्टन, जे आवे के जो लैंग्वेज लर्निंग है एंटायरली जां डोमीनेटली एनवायरमेंटल फैक्टर उसनू इन्फ्लुएंस करता है, तो फिर वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है जिद स्किनर थॉर्नडाइक हल ये सारे आ जाते हैं, गुथरी आ जाते हैं। हाँ, तो तीसरा है, ये देखियो ये नेटिविस्ट जिथे टोटल हैरिडिटी डोमीनेट करती है, होर शब्द केड़ा आ सकता है, नेचर NATURE नेचर। ओके, इत्थे केड़ा आ गया नर्चर, नर्चर। ओके, एनवायरमेंट नर्चर बिहेवियरिस्ट ए इकट्ठे हैं, ये जवाब इकट्ठे हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविस्ट जिहड़े मिड वे आते हैं, हैरिडिटी एनवायरमेंट का इंट्रैक्शन ये मनते हैं। ओके, साइको एनालिटिक भी जिहड़ी थ्यूरी है ज़्यादा हैरिडिटी वल ये जाती है, लेकिन इत्थे राइट आंसर जिहड़ा है वो नेटिविस्ट है, चमस्की चो ये जिहड़ी है जिहड़ी स्टेम लई गई है। नैक्सट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोविंग इज इंपॉर्टेंट इन फॉर लैंगुएज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। हे ठीक है, बच्चों केड़ा मनुख विच भाषा निर्माण लिए महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत सौखा तरीका जदों ब्रेन नाल लैंगुएज नू एसोसिएट करके सीखना है, एल फॉर लैंगुएज है इसका संबंध, जो साढ़े ब्रेन दे पार्ट हैं है ना, राइट लैफ्ट
एल फॉर लैफ्ट, इट मीनस लैंगुएज लर्निंग लैफ्ट हैमीस्फेयर नाल रिलेटड है, लेकिन इतने राइट हैमीस्फेयर का ऑप्शन दिता है, इट मीनस ये बिल्कुल गलत होएगा। हाँ ये नवी नॉलेज ऐड कर लेनी चाहिए है कि ब्रोकाज एरिया लैफ्ट हैमीस्फेयर के पार्ट विच है, इस नू नेट ते देख भी लेना चाहिए है, इधर जाके इस तरह ये जो तुसी ब्रेन देख रहे हो इसका ये ब्रोका एरिया है लैफ्ट पार्ट विच है, एनी गल याद रखनी है। वापस चलते हाँ, अच्छा ये राइट आंसर हो गया। नैक्सट साडा क्वेश्चन है, एज पर एरिकसन थ्यूरी इन विच स्टेज ए चाइल्ड, इस नू रब कर दईए, इन स्टेज इज ए चाइल्ड मोस्ट ईगर टू लर्न एंड मास्टर स्किल्स वैल्यूड इन हिज कल्चर। देखो जो ऑप्शन है इतने सुजैशन है कि जो मैं पढ़ता हाँ पंजाबी विच पहला करन दी शक्ति बनाम दोष, ये औखा होएगा याद करना क्योंकि इंग्लिश च थ्यूरी है, इंग्लिश च लिखी गई है, सो उस दे वर्ड भी इंग्लिश च तुहानू याद ते इत्थे रिकॉल करने सौखे होणगे। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इस स्टेज विच ये स्किल्स मास्टर कर लईआं जांदीआं हन, इस दा राइट आंसर ए है। नैक्सट क्वेश्चन है, इन इनकलूसिव सैटअप, इनकलूसिव एजुकेशन नू याद कर लेना है, ईच चाइल्ड अकोमोडेट हिमसैल्फ हरसैल्फ विद दी स्कूल सिस्टम। अकोमोडेट शब्द नू देखदे हो तो इनकलूसिव एजुकेशन दे फेवर च जान दी संभावना है क्योंकि अकोमोडेशन ते अडैप्टेशन प्रोसैस जो है वो इनकलूसिव एजुकेशन दे सेंट्रल पिलर ने। इतों पंजाबी पढ़ लें, हर बच्चा अपने आप नू स्कूल सिस्टम दे अनुसार ढालेगा, ये गल समझ लैनी चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल है, ये बच्चा है, हुन सिंपल गल है इस बच्चे दियाँ स्पेशल नीड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ईशान है स्पेशल नीड्स है, उस दियाँ लर्निंग डिसेबिलिटी नाल वो स्ट्रगल कर रहा है, रीडिंग नाल स्ट्रगल कर रहा है, हुन की ए स्कूल सिस्टम क्लास नू टीचर नू चेंज होना चाहिए है, बच्चे नू चेंज होना चाहिए है। जे असी बच्चे नू चेंज करन अकोमोडेट मीन कि चेंज होना चाहिए है, ये असल विच इनकलूसिव एजुकेशन दे कंसैप्ट विच स्कूल सिस्टम नू क्लास नू टीचर नू करिकुलम नू असैसमेंट नू चेंज करना है इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल इत्थे जे बच्चे को रीड नहीं किया जा रहा, रीडिंग प्रॉब्लम है, मान लो विजुअल प्रॉब्लम है बच्चे नू, ते नैचुरली है कि टैक्सट बुक उसनू वड्डे साइज वालियां दित्तियां जान, उसनू ऑडियो जिहड़ा है चैनल मोड है पढ़न दा दित्ता जावे। इत्थे जे इसनू चेंज करन लई किहा जा रहा है, बच्चे नू चेंज करन लई किहा जा रहा है, ये ऑप्शन गलत जांदी है। द चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स स्टडी इन सैपरेट, जदों स्पैशल नीड्स वाले बच्चों नू सैपरेट कर दिता जाएगा वो इनकलूसिव एजुकेशन के खिलाफ है। द स्कूल हैज़ फ्लैक्सीबल करिकुलम, फ्लैक्सीबल करिकुलम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैक्सीबिलिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस पर जोर दे रही है, फ्लैक्सीबल करिकुलम। अच्छा जी असी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वगैरह नहीं भी पढ़े तो असी सिंपल असैस कर सकते हैं कि बैटर की है, इतने फ्लैक्सीबल करिकुलम बैटर है टू अकोमोडेट है। हाँ इसनू सी रू पढ़ांगे, स्कूल का करिकुलम लचकीला हुंदा है ता कि हरेक बच्चा ढल जावे, पंजाबी विच गलती है, स्कूल हैज फ्लैक्सीबल करिकुलम टू अकोमोडेट है ना ईच चाइल्ड, ईच चाइल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इहदे विच स्पैशल बच्चे ते नॉर्मल बच्चे सारे ही शामिल हो गए हैं, कि करिकुलम इस तरह का होवे कि स्पैशल नीड वाला बच्चा ते नॉर्मल बच्चा दोनों दी नीड्स नू सैटिस्फाई किया जा सके। सो राइट आंसर सी है, पर फोर्थ आंसर फिर भी पढ़ लाँगे, पर ऑल द चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स प्ले विद ईच अदर, इतने नॉर्मल बच्चों की गल नहीं की गई, इतने कहा गया है स्पैशल नीड वाले जो बच्चे हैं ये आपस विच इंटरैक्ट कर सकते हैं, खेड सकते हैं, लेकिन इसनों टोटल स्कूल सिस्टम तो अलग इसका मतलब कर दिता गया है। बेशक इस तो स्कूल तो बाहर अलग किया गया है, बेशक स्कूल दे विच अलग किया गया है, वो सैपरेशन इनकलूसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है, हर बच्चे ना इंटरैक्ट कर सके वो इनकलूसिव एजुकेशन का पार्ट है। सो सी इज राइट आंसर हेयर। नैक्सट क्वेश्चन है, जो एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की पूर्व गयान समर्था परखता है तो वह शामिल होंदा है, की करते हैं याद रखने लई एक तरीका है, जिथे असैसमेंट फॉर लर्निंग आ गया इट मीनस ए फॉरमेटिव असैसमेंट है, फॉरमेटिव असैसमेंट है, ओके। जिथे ऑफ आ गया है ए सबमेटिव है, सबमेटिव
सबमेटिव की है फाइनल टर्म तो लास्ट वाले जिहड़ा टेस्ट हुंदा है ए टोटल कंटेंट है उसका टेस्ट हुंदा है तुहाडे डीएमसी जिहड़े ने वो सबमेटिव असैसमेंट है जो तो प्रीवियस नॉलेज असैस कर रहे हाँ तो सबमेटिव असैसमेंट पक्का नहीं है ये गल हो गई है। दूसरी गल इन लर्निंग कंसैप्ट शामिल ही नहीं है इस टू क्रॉस कर दिता जाए। हुण कन्फ्यूजन की है कि असैसमेंट एज लर्निंग या असैसमेंट फॉर लर्निंग चो राइट आंसर है किहदे विच प्रीवियस लर्निंग नूं असैस किया जाता है। असैसमेंट एज लर्निंग नूं याद करना है एज द एस मैं बाहर कढ लिया है सैल्फ बच्चा लर्नर खुद खुद दी लर्निंग प्रोसैस नूं इवैल्यूएट कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है रिफ्लैक्शन दे रिफ्लैक्शन होर ये की शामिल है इस दे विच सैल्फ असैसमेंट शामिल है रिफ्लैक्शन शामिल है पीयर असैसमेंट शामिल है पीयर असैसमेंट शामिल है। सो एक बच्चा दूसरे बच्चे नू असैस कर रहा है ठीक। सो ये इस नू मैटाकोगनेटिव प्रोसैस भी कह सकते हाँ बच्चे नू टीचर ये रोल हुण किहदा ज़्यादा है एज लर्निंग विच बच्चे का ज़्यादा है लर्नर ज़्यादा है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट ज़्यादा प्रोसैस है जबकि असैसमेंट फॉर लर्निंग विच टीचर का टीचर ज़्यादा असैस कर रहा है। इत्थे साडे को क्वेश्चन है वैन ए टीचर इट मीनस ज़्यादा जिहड़ी है ऑप्शन इहदे नाल सीधी मैच कर रही है। दूसरी गल कि प्रीवियस नॉलेज डायगनोस्टिक डायगनोस्टिक असैसमेंट विच उहदा पार्ट है जो प्रीवियस नॉलेज की जाती है। जे डायगनोस्टिक नू कंसैप्ट असैसमेंट नू रिलेट करके देखना होवे तो ये फॉर दा भी है और एज दा भी है लेकिन क्योंकि ये स्टूडेंट का रोल ज़्यादा है इतने टीचर की गल की गई है दैट इज़ वाई असी डी ऑप्शन असैसमेंट फॉर लर्निंग चूज़ किया। नैक्सट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट ऑन इंटेलीजेंस एनवायरमेंट ऑन इंटेलीजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ नॉट सूटेबल नॉट नू अंडरलाइन करांगे। हुण सानूं इह पता होना चाहिए हैं कि जिहड़ी डिवेलपमेंटल एनवायरमेंटल जां हैरिडिटी हैरिडिटी एंड एनवायरमेंट दा इन्फ्लुएंस देखिया जा रहा है वो किस तरह जो स्टडीज़ कीतियां जांदियां हन किस तरह रिसर्च मैथड अपनाई किए जाते हैं। ट्विन ते अडोप्टेशन स्टडी कीतियां जांदियां हन ट्विनस विच फॉर एग्जाम्पल टिन जदों असीं हैरिडिटी मैच करनी है तो जो दो ट्विनस हैं एक ट्विन हो गया दूसरा ट्विन हो गया एक ट्विन नू एनवायरमेंट बहुत अच्छा दे दिता दूसरे ट्विन नू एनवायरमेंट बहुत माड़ा दे दिता फिर उन्होंने विच थोड़े साल बाद इंटेलीजेंस का डिफरेंस देखा जाता है जो डिफरेंस आता है वह डिफरेंस एनवायरमेंट करके होएगा। सो इस तरह स्टडीज़ कीतियां जांदियां हैं ट्विनस एंड अडोप्टेशन स्टडी भी कीतियां जांदियां हैं कि हैरिडिटी किसी होर दी है बच्चा किसी और ने अडोप्ट कर लिया है दूसरी फैमिली बच्चा आ गया है बच्चे दे वो जिहड़े फैमिली एनवायरमेंट उसनूं मिलता है उसका इंटैलीजेंस ते की असर हुंदा है। सो ये भी हुंदियां हैं लोंगीट्यूडनल लगातार बच्चे नूं असैस किया जाता है किन्ने किन्ने साल लोंगीट्यूडनल दी बेस्ट एग्जाम्पल वैसे प्याजे की है लेकिन इतने एनवायरमेंट तो इंटैलीजेंस का इफेक्ट है इनवायरमेंट जो शब्द आता है उदो बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ लर्निंग याद रखना है। सो नॉट विच साइकोलॉजिकल स्टडीज़ नूं असीं रखांगे राइट आंसर इज साइकोलॉजिकल। नैक्सट क्वेश्चन है फॉर अ टीचर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असैसमेंट शुड बी अध्यापक लई मुलांकन दी बुनियादी उद्देश की होना चाहिए विद्यार्थियों दी गलतियां दी पहचान करना एक गल याद रखना है जिंदगी पॉजिटिव ते नैगेटिव का कंबीनेशन है सिर्फ गलतियां कढ़ना अच्छे टीचर ते टीचिंग लर्निंग प्रोसैस की निशानी नहीं है दैट इज़ वाई इसनों गलत किया जाएगा तुसी गलतियां तो पहला पॉजिटिव ते ध्यान देना हुंदा है। दूसरा है विद्यार्थियों दी उपलब्धियां विचले पक्षियों की पछाण इंग्लिश पढ़ांगे आइडेंटिफाई द गैप्स वेरी इंपॉर्टेंट गैप्स आइडेंटिफाई जदों हो जाते डायगनोस्टिक टैसटिंग या असैसमेंट विच गैप्स लर्निंग गैप्स नू आइडेंटिफाई करना हुंदा जो गैप्स है फॉर एग्जाम्पल बच्चे नू जमा घटाओ नहीं आती तुसी हायर मैथमैटिक्स नहीं सिखा सकते पहला उसनू गैप्स आइडेंटिफाई कर लिया है जमा घटाओ की अलग तो क्लास लगा के कोचिंग दोगे। सो आइडेंटिफाइंग गैप्स इंपॉर्टेंट है इन अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड हैल्पिंग
दूसरी गल डायग्नोस्टिक जी टैस्ट के नाल इतने जिहड़ा है गैप्स आइडेंटिफाई कर ले डायग्नोस्टिक टैसटिंग है और रिमीडियल टीचिंग के हैल्प की जा रही है जी मैं हुणी गल कही कि एक्सट्रा कोचिंग या टीचिंग की जाएगी इन ब्रिजिंग दीज गैप्स। सो ये राइट आंसर साफ दिखाई दे रहा है जदों तुसी तुहाडी रीजनिंग काम ना करे लोंग टेल नू ज़्यादा सोच लियो कि ये राइट आंसर होण दी ज़्यादा संभावना हो सकती है जे चारों पासे कुछ दिखाई ना देवे तो लोंग टेल नू तुसी राइट आंसर दे तौर पर प्रैफर कर सकते हो। अच्छा मेयरिंग द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, मेयरिंग शब्द क्वांटिटेटिव है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नू डिसकरेज किया जाता है नॉर्मली अच्छी असैसमेंट में, इसलिए इसनों भी गलत कहा गया। असैसिंग फॉर द रिटेंशन एंड प्रमोशन ऑफ, बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव है कि तुसी बच्चे की रिटेंशन या प्रमोशन उसनों अगली क्लास करना चाहते हो इसलिए असैस करना चाहते हो। सो इसे बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है। राइट आंसर इज थर्ड, आइडेंटिफाइंग द गैप्स एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू फिल दोज गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर नॉट वाले क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं इतने कन्फ्यूज नहीं होना, हेठ लिखे में जो कि समाजिक सिखलाई के सिद्धांत का भाग नहीं है। हाँ समाजिक जिहड़ा सोशल लर्निंग थ्यूरी है अल्बर्ट बांदुरा की थ्यूरी है, अल्बर्ट बांदुरा की थ्यूरी नू मॉडलिंग थ्यूरी भी कहा जाता है, पिछे मेरे ख्याल दस आया हाँ। मॉडल मॉडल की है जिस दे बिहेवियर नू, फॉर एग्जाम्पल टीचर दे बिहेवियर नू लर्नर ने देखना है, ठीक है, रिटेन करना है और फिर प्रोड्यूस करना है, फिर उतो खुशी मिलती है, मोटिवेशन है। सब तो पहला शायद कर भी आए हाँ। सो ये कि नहीं है लभना है, जो तो मॉडल है तो उसनों देखना है, इट मीनस इमिटेशन होएगी, जो तो देखना है इट मीनस ऑब्जरवेशन होएगी, उसकी थ्यूरी का दूसरा नाम ऑब्जरवेशनल लर्निंग है। जो मॉडल है मॉडलिंग है हो रही है प्रोसैस देख के रिटेन करके उस बिहेवियर रिप्रोड्यूस कर। सो ये तीनों हैं सिर्फ ये बिहेवियरिस्टिक बिहेवियरल मैनीफेस्टेशन ये नहीं है, दैट इज़ वेर राइट आंसर है जो मैं सर को किया है वो है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइटेड द लर्निंग एज ए सोशली मीडिएटेड। सोशली मीडिएटेड जदों भी सोशल शब्द कल्चरल शब्द आता है मीडिएटेड शब्द आता है तो वाइगोस्की का नंबर वन स्थान है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वाइगोस्की है। अच्छा कोलबर्ग की थ्यूरी मॉरल डिवेलपमेंट की है। सो इत्थे सोशल मीडिएशन की उदी कोई भी गल नहीं आती। थॉर्नडाइक बिहेवियरिस्टिक है, सो इत्थे इसनों बाहर कढ़ दिता जाता है क्योंकि वो ये वाली गल सोशल मीडिएशन की गल ही नहीं करते। बिहेवियरिस्टिक स्कूल बिल्कुल वक्रा है। एरिक्सन की डिवेलपमेंट की थ्यूरी है एट स्टेजिज वाली, वो भी इत्थे शामिल नहीं है। वाइगोस्की सीधा राइट आंसर है। ए चेंज इन द मेंटल प्रोसैस दैट अंडरलाई ऑल लर्निंग्स, ऑल लर्निंग्स एंड परफॉर्मेंस कैन बी रेफर्ड एज। चंगी तरह समझ लेना है मेंटल प्रोसैस नू असी अंडरलाइन कर रहे हाँ, इसनों मैं कहना रब कर दिना है, कन्फ्यूज कर रहा है। लॉजिक मेंटल प्रोसैस नू अंडरलाइन किया है, दूसरा ऑल लर्निंग नू किया है। अंदर अगे देखते हैं ऑप्शन केड़े हैं। जो मेंटल प्रोसैस आ गई तो वो मॉरल मैच्योरेशन कोई गल नहीं बन रही। डोमेन है ना, ये कोगनेटिव डोमेन नाल सीधा संबंध रख रहा है, ये मॉरल डोमेन है, डोमेन ही मैच नहीं कर रही इसलिए रोंग हो गया। अच्छा कोगनेटिव डिवेलपमेंट हाँ ये हो सकता है, इतने टिक लगा लिया है। दूसरा ऑल लर्निंग रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेसेस है, ये होने की ज़्यादा संभावना है, दो टिक लगा लेने। सोशल इमोशनल डोमेन नहीं मैच कर रही, मेंटल प्रोसेसेस सोशल डोमेन अलग है, इमोशनल डोमेन अलग है, मॉरल डोमेन अलग है, सो इसनों रिजेक्ट कर दिता। मैं इस तरह तुहानू एक्सप्लेन कर रहा हाँ कि आंसर नहीं पता, तुसी नॉर्मल रीजनिंग अप्लाई करके किस तरह राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। अच्छा इंटलैक्चुअल डिवेलपमेंट हाँ ये मैच कर रहा है, हुण मेंटल प्रोसेसेस इहदे विच भी हन ते कोगनेटिव डिवेलपमेंट भी हन, पर क्योंकि कॉम्प्रीहेंसिव की है कोगनेटिव कोगनेशन जिद विच ऑल लर्निंग शामिल होंदी है, परफॉर्मेंस शामिल है, दैट इज़ वाई कोगनेटिव डिवेलपमेंट नू इंटलैक्चुअल डिवेलपमेंट नालों वधेरे प्रैफर करांगे, राइट आंसर वो रखांगे। नैक्सट क्वेश्चन है प्रेरणा ऊर्जा नाल भरी हुई है, एग्जाम्पल दे रहे ने एक बच्चे की, वो अपनी सीट पर टिक के नहीं बैठती, टिक के नहीं बैठती नू मैं अंडरलाइन कर रहा है, वार वार दूजियां नू टोकदी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਫਰੇਜ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਫੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫੀਸਿਟ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ। अटेंशन है, केड़ी चीज़ अटेंशन बन रही है कि सुनना ते ध्यान केंद्रित करना, इत्थे है फोकस करना, अटेंशन इहदे नाल सीधा मिल गया। सो राइट आंसर असी लभ लिया है हाइपर एक्टिव, के टिक के नहीं बैठती, हाइपर एक्टिव है। सो राइट आंसर ADHD इज द राइट आंसर है। सिवियर मल्टीपल डिसेबिलिटी रोंग, हियरिंग इंपेयरमेंट कोई कनेक्शन नहीं है, रोंग। सो राइट आंसर है ADHD। नेक्स्ट है द पर्सन विद, नेक्स्ट है द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। याद रखना है कि इस तो बाद 2016 विच नवा एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है। 1995 विच सत डिसेबिलिटी दी गल कीती गई सी एक्ट विच, 2016 दे एक्ट विच 21 डिसेबिलिटी की गल की गई है। क्वेश्चन नॉर्मली PS टैट विच पूछा जाता है, टैट विच पूछा जाता है। अच्छा ओके, हुन इस दे जे तुसी टाइटल नू ही पढ़ोगे, इस दे टाइटल विच लिखिया है इक्वल ऑपरचुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट फुल पार्टिसिपेशन, इस तरह ब्रैकटा बंद हैं ते इत्थे ऑल ऑफ अबव दिता है। सो ऑल ऑफ अबव राइट आंसर। एक होर नुकता कि जदों कितें तुहानू सही क्वेश्चन आंसर ना मिले तां ऑल ऑफ द अबव नू प्रैफर करन दी कोशिश करना, जदों रीजनिंग नहीं यूज़ हो रही उदों। सो इत्थे भी ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर। नैक्सट है ब्याजे अनुसार हेठ लिखिया विचों किहड़े पड़ाव विच बच्चा अमूरत अमूरत नू है ना सौखा कर रहा है। जे ब्याजे थ्योरी घट पड़ी है, संकल्पनामा दे बारे तार्किक रूप विच सोचना शुरू कर दिंदा है। इट मीनस अमूरत ते तार्किक दो चीज़ां हन। सेंसरी मोटर विच सारी नॉलेज जिहड़ी है बच्चे दी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नॉलेज ते क्वेश्चन आवे, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे दी कदों हुंदी है, सेंसरी ते मोटर मीन एक्शन दे नाल ही सिर्फ सीखता है, एक्शन दे जरिए ही सीखता है। नॉर्मली 18 मंथ तक है, लेकिन पहली स्टेज 2 साल तक दस दिती जाती है। ए इस मीन के ए विच तां बच्चे को लॉजिक हुंदा ही नहीं है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन दा मतलब जे सीधा समझना है, कंजर्वेशनल टास्क रिवर्सिबिलिटी है, क्लास इनकलूजन है, ये वाले कंसैप्ट जिहदे च शामिल किए जाते हैं। ऑपरेशन की है माइंड दे विच लॉजिकली सोच पाउंदा है, प्री ऑपरेशनल मीन ऑपरेशनल लॉजिकली नहीं सोच पाउंदा, इहदे विच नहीं हो सकता। सो कंक्रीट ऑपरेशनल, हाँ जी ऑपरेशनल है, लॉजिकली सोचना शुरू कर दिता, लेकिन कंक्रीट रूप विच है, कंक्रीट च नहीं है। सो ये तीन रिजेक्ट हो गए। फॉर्मल दा मतलब एबस्ट्रैक्ट लै सकते हैं, ऑपरेशनल भी है। सो इत्थे जो सानू पूछा गया है एबस्ट्रैक्ट, यस एबस्ट्रैक्ट दैट इज़ वाई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज राइट आंसर, जिहदे विच जिसनों हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्टेज भी कहा जाता है। जे बहुत आसानी रूपी ना समझना है, जदों भी ऑपरेशन शब्द आता है उसनों लॉजिकल एक्शन इन द माइंड इस तरह तुसी समझ सकते हो। नैक्सट चलते हाँ इसनों रब करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर ऑफ डिबेट इन अ डिवेलपमेंटल साइकोलॉजी। नेचर नर्चर, नेचर सी हेरिडिटी, नर्चर सी एनवायरमेंट। ये बहुत वड्डी डिबेट है, राइट बिल्कुल है, नॉट नहीं आएगा। अच्छा, वन कोर्स ऑफ डिवेलपमेंट, मैनी कोर्स ऑफ डिवेलपमेंट। एक कंसैप्ट है डिवेलपमेंट विच, डेफिनेशन विच, एक है यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एक है मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। एक कंसैप्ट किदां डिफाइन करता है, इसनों इस तरह लैके चलो कि जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स हैं फॉर एग्जाम्पल फिजिकल नंबर एक, दूसरी इमोशनल, सोशल, ओके, कोगनेटिव,
सारियां इत्थे नहीं बोलांगा, इह आ गईआं जिहड़ी यूनीडाइमेंशनल जो डेफिनेशन दिती जांदी है डिवेलपमेंट दी, ओह इह कहिंदी है कि जिहड़ी डिवेलपमेंट है ओह कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट कि डिवेलपमेंट का मतलब है जो हरलॉक ने डेफिनेशन दिती सी प्रोग्रेसिव, हमेशा ही प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव जी। होर सौखा करना है इसनों समझने लिए वन कोर्स ऑफ डिवेलपमेंट समझा रहा हाँ कि सिर्फ डिवेलपमेंट पॉजिटिव होंदी है ठीक, लेकिन दूसरी जोड़ी धिर है वह किदा एक्सप्लेन करती है मैनी कोर्सिज ऑफ डिवेलपमेंट, मीन के ये पॉसीबल है कि एक आस्पेक्ट विच बच्चा जो है इंडिविजुअल है वो नैगेटिव जा रहा है और दूसरे विच पॉजिटिव जा रहा है, तीसरे विच पॉजिटिव या किसे विच नैगेटिव किसे विच पॉजिटिव है पॉसीबल है। फॉर एग्जाम्पल जो शख्स 60-70 साल का हो जाता है तो फिजिकली वो वीक होना शुरू हो जाता है ठीक, लेकिन कोग्निशन एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ लाइफ वो एडोलसेंट दे बच्चे नालों कितने वध हन, मतलब कोगनेटिव विच वह पॉजिटिव हो गया है लेकिन फिजिकल च वह नैगेटिव हो गया है। इसनों कहा जाता है मल्टी डायरेक्शनल डिवेलपमेंट। सो इत्थे इस तरह ये वाली डिबेट चलती है कि मल्टी डायरेक्शनल है या यूनीडायरेक्शनल है। सो ये इस दे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेज वाइज के नॉट स्टेज वाइज, ये डिबेट की है। जिहड़ी स्टेज वाइज थ्यूरीज हैं वो कहती है कि डिवेलपमेंट इज डिसकंटीन्यूअस। उस दी एग्जाम्पल है प्याजे एरिकसन ओके कोलबर्ग, क्योंकि ये स्टेज थ्यूरी हैं ठीक, स्टेज वाइज है मतलब डिसकंटीन्यूटी है। नॉट स्टेज थ्यूरी कहती है कि कंटिन्यू ही डिवेलपमेंट होंगी है, कदे भी कोई स्टेज नहीं होंगी, डिसकंटीन्यूटी नहीं होंगी। बिहेवियरिज्म नू देखना है, स्किनर नू देखना है, तो ये डिवेलपमेंट नू कंटिन्यूअस एक्सप्लेन करते हैं। सो ए वी डिबेट का मैटर है, नेचर एंड नर्चर हो गया और ए वी है इसनों सर्कल कर दिता। स्टेज वाइज ये भी डिबेट है, माइंड बॉडी डिबेट कोई नहीं है, दैट इज़ वाई राइट आंसर इज माइंड एंड बॉडी। नैक्सट क्वेश्चन है ठिकियां विचों किहड़े पड़ाव विच बच्चा कृतिक विश्वास मेक बिलीव प्ले कर कर खेडना है। यार सिंपल, कर कर खेडना कदों है, तुसी उस बच्चे की एज देखो अपने ना अपना कंपेयर करो तो आंसर मिल जाएगा। अच्छा सेंसरी मोटर है 0 to 2 ईयर तक, प्री ऑपरेशनल है 2 to 7 साल तक है ना, 7 कंक्रीट ऑपरेशनल है 12 साल या 11 साल तक, ये 12 तो प्लस है। मैं असी घर घर सारे सब तो ज़्यादा किस एज खेलते हैं, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 साल खेलते हैं। राइट आंसर इज अगला है जो बच्चा अपने साथियों के दबाव में आ जाता है तो उस स्थिति को की कहा जाता है। जदों साथियों का दबाव किस तरह आता है, फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चों का 8 बच्चों का ग्रुप है पीयर है तो वो एक तरह की यूनिफॉर्म पाउन लिए कहते हैं, जीन्स पाउन लिए कहते हैं, जां थोड़िया नैगेटिव आदत भी हो सकती है, कोई कोई स्मोकिंग लिए प्रेशर करते हैं, जां किसी तरह तुरन लिए इस तरह रहना है, इस तरह इंटरैक्ट करना है, वो प्रेशर कोई बच्चा है वो इदा नहीं करना चाहता लेकिन वो ग्रुप च रहना चाहता है। हुण की है कि वो प्रेशर दे करके वो ग्रुप दे नॉर्म्स जिहड़े हैं उन्होंने फॉलो कर लेंदा प्रेशर दे करके अडॉप्ट कर लेंदा कि हाँ मैं भी इस तरह की यूनिफॉर्म पा के आवांगा। इस प्रोसैस में सोशलाइजेशन की इस प्रोसैस में कन्फॉर्मिंग कहते हैं। नैक्सट है वट डू यू मीन बाय FAS फैटल एलकोहल सिंड्रम, फॉर्मल नहीं है फैटल एलकोहल सिंड्रम सिम्पटम नहीं है, सिंड्रम है। जदों मदर प्रैगनेंसी दौरान अल्कोहल लेंदी है तो बच्चे दे ब्रेन ते ग्रोथ ते नैगेटिव इफेक्ट होंदे हन, तां इसनूं कहा जांदा है। सो राइट आंसर इज बी। नैक्सट क्वेश्चन है हेठ लिखिया विच केड़ा निर्माणात्मक फॉर्मेटिव मुलांकण दा ढंग है
एनुअल एग्जामीनेशन डायरेक्ट सानू पता है कि सबमिटिव है, सो राइट आंसर ये हो गया एनुअल एग्जामीनेशन। असाइनमेंट के जरिए भी असी फॉर्मेटिव असैसमेंट केड़ी है कि बच्चे नू अपॉर्चुनिटी दिती जाती है, असैसमेंट करन तो बाद फीडबैक दिती जाती है कि वह इंप्रूव कर सकता है। फाइनल एनुअल एग्जाम तो बाद कोई भी ऑप्शन नहीं दिती जाती कि तुसी इंप्रूव कर सकते हो, उस तो बाद नेक्स्ट क्लास है वो सर्टिफिकेशन हो जाती है, दैट इज़ फाइनल फिक्स्ड रिजिड। लेकिन फॉर्मल असैसमेंट इस तरह नहीं होंगी, असाइनमेंट दिती जाती है उस तो बाद फीडबैक दिता है बच्चा इंप्रूव कर सकता है, ग्रुप वर्क है फीडबैक दिती जाती है बच्चा इंप्रूव कर सकता है, क्लासरूम डिस्कशन है बच्चे नू फीडबैक दिती है इंप्रूवमेंट कर सकता है। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल डैश विच तुहाडे स्वै चिंतन ते समस्या दा हल करन दी योग्यता शामिल हुंदी है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग दी डेफिनेशन है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। डैश इनवॉल्व्स द एबिलिटी टू मैनेज योर ओन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। ये नन ऑफ दीज नहीं आएगा क्योंकि ये राइट आंसर है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस लिख देता है, बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग या सेल्फ रेगुलेशन लिखा है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग होंदा तां वो कन्फ्यूजिंग एलीमेंट हो सकता सी, लेकिन सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग विच इमोशंस नू भी मैनेज करना हुंदा है, जदों सिर्फ तुसी थिंकिंग नू लर्निंग नू कोग्निटिव आस्पेक्ट नू मैनेज करना है तो वह मैटा कोगनेशन या कोगनेटिव स्किल ही होणगियां, दैट इज क्योंकि इत्थे थिंकिंग की गल की गई प्रॉब्लम सॉल्विंग की दोनों कोगनेशन नाल संबंधित है, दैट इज़ वाई मैटा कोगनेशन नू असी राइट आंसर चुनिया है। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल करिकुलर ए करिकुलर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम डिवेलप्ड इन ए रिटन फॉर्म टू फैसिलिटेट द एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ ए चाइल्ड विद ए स्पैशल नीड कॉल, विशेष लोड़ा वाले बच्चे, जो भी ये शब्द आता है तुसी इशानू तारे जमीन पर याद कर सकते हो, हरेक बच्चे दे विद्यक अनुभव नू सुखाला करन ले लिखित रूप विच विकसित करिकुलर दी सुधाई कारज की कहलाउंदा है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, उसना कोई संबंध नहीं है, रोंग आंसर, क्योंकि पूरा प्रोग्राम बनया है एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो देना है तो एजुकेशनल प्रोग्राम बन गया है, राइट आंसर सीधा दिख रहा है, लॉन्ग टेल भी साफ दिख रहा है। अच्छा पीयर इंटरेक्शन डॉक्यूमेंट नो, कोई उसना संबंध नहीं है, सेल्फ असैसमेंट पोर्टफोलियो नहीं, वो राइट आंसर सी है। नैक्सट है हु स्ट्रोंगली क्लेम दैट ही कैन ट्रेन एन इंडिविजुअल टू बी एनी थिंग ही वॉन्टड इन रिस्पेक्ट टू हिज और हर टेंडेंसीज एबिलिटीज रेस कल्चर। वाटसन ने वाटसन एनवायरमेंट सी, वाटसन बिहेवियरिस्ट सी, जदों भी एनवायरमेंट शब्द आता बिहेवियरिस्ट नूं याद करना, बिहेवियरिस्ट दी एक्सेस विच जाण वाला परसन वाटसन सी, पावलोव स्किनर गुथरी हल ए सारे नाम बिहेवियरिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट ने। सो वाटसन ने स्टेटमेंट दी सी कि मैनू एक छोटा इनफैंट दे दो, है ना, बेशक उसकी कोई भी जीन्स है हेरिडिटी कोई भी है उसका कोई संबंध नहीं है, 20 साल बाद जो तुम डॉक्टर चाहते हो डॉक्टर होएगा, जो भिखारी चाहते हो भिखारी मिल जाएगा। सो एक्सेसिव स्टेटमेंट कि मैं उस तू इस तरह एनवायरमेंट देवगा, इस तरह स्टिमुलस प्रोवाइड कराँगा कि जो मैं चाहता हाँ उदा बन सकता। सो इट मीनस ये जी स्टेटमेंट है एजुकेशन स्कूलिंग प्रमोट करती है कि अच्छा एनवायरमेंट दिता जाना चाहिए है। सो वाटसन इज़ राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है क्योंकि जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है इंग्लिश प्रैफर करो, आइडेंटिटी वर्सिज रोल कन्फ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिथे भी आइडेंटिटी का सवाल आता है एरिकसन एकदम याद कर लेना है, वो फिफ्थ स्टेज, क्यों, क्योंकि अडोलसेंट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडे बच्चे बी एड कर रहे हैं उन्होंने ये स्टेज ही क्यों, यही क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इस एज दे अडोलसेंट दे बच्चे जेडे 11 12 साल तो लैके 18 साल तक या 19 साल तक दे बच्चे हैं, अडोलसेंट बच्चे हैं, ये स्कूल एज है, ठीक, ये बनती है लगभग तुसी ला के चलो 6वीं तो लैके 10वीं 12वीं तक दी क्लासां बनदियां हन, अडोलसेंट आंदा है। सो आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी केड़ी बनानी है, एक कैरियर आइडेंटिटी, कैरियर आइडेंटिटी, ओके
दूसरी उन्होंने पर्सनल या सैक्सुअल आइडेंटिटी की भी गल की है। सो आइडेंटिटी क्राइसिस है कि वो अपने पेरेंट्स तो इंडिपेंडेंट अपनी वक्री पहचान बनाना चाहता है इस समाज में, वो किस तरह बनी है, एक परसनल रिश्ता इस तरह का इस्टैबलिश करना चाहता है जिहड़ा अगली स्टेज में जाके इंटीमेसी वर्सिज आइसोलेशन दी स्टेज विच पहुँचता है। दूसरा कैरियर कि एजुकेशनल आइडेंटिटी है कि मैं इदा के सबजैक्ट लेने हैं कि कैरियर ये चूज़ करना है कि मैक्सिमम पैसा कमा सकाँ, प्रोफेसनली डिवेलप हो सकाँ। सो राइट आंसर इज एरिक्सन एंड अडोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड फॉर्म ए राइम टू लर्न द ऑर्डर ऑफ प्लैनट्स। ग्रहों के क्रम को याद रखने लिए बच्चा तुकबंदी करता है, मतलब किसी तुकबंदी नाल संगीत नाल उसने जोड़ के उसनों याद किया है, इसनों की कहा जाता है, स्ट्रैटेजी है लर्निंग दी। नॉर्मली ये वाली स्ट्रैटेजीज थोड़े एग्जामीनेशन सिस्टम विच भी काम आंदियां हन जिहड़ियां कॉग्निटिविज्म द्वारा दित्तियां गईयां हन। सो केड़ी राइट आंसर इहनां दे विचों केड़ा है कि केड़ी स्ट्रैटेजी है। चंकिंग स्ट्रैटेजी उह हुंदी है जदों तुसीं फॉर एग्जाम्पल तुहाडा फोन नंबर है 8427458 है ना। सो मैं इसनों मान लो इस तरह टुकड़ियां विच रख के याद किया होया है, ये टुकड़ियां विच रख के याद करन नूं चंकिंग कहिंदे हन। सो ये टुकड़ियां विच याद नहीं है, ये नहीं आएगा। एक कट्टिया गया है नन ऑफ दीज, सॉरी हजे नहीं हो सकता है। अच्छा हिरिस्टिक वो हुंदा है जदों तुसीं कोई चीज़ खुद डिस्कवर करते हो या शॉर्टकट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, लेकिन इत्थे वो डिस्कवरी नहीं कोई की जा रही, दैट इज़ वाई ये रिजेक्टड है। हाँ निमोनिक्स हैं क्योंकि कॉग्निटिविस्ट स्ट्रैटेजी निमोनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुहानू एग्जाम विच बीइंग ए टीचर भी यूज़ करनी चाहिए। उन्होंने विचों है कि किसी चीज़ के ऑर्डर नू जिस तरह ताल विच जां रिदम विच जां तुकबंदी विच जोड़ लिया। सो राइट आंसर निमोनिक्स है, नन ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को, लास्ट क्वेश्चन। ब्रूनर आइडेंटिफाई थ्री मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द करैक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस। बहुत सौखा है जे तुसीं ब्रूनर नहीं भी पढ़िया, तुसीं पियाजे पढ़िया है, कुछ भी पढ़िया है, सब तो पहला बच्चा एक्शन नाल सीखता है, ये याद रखना है। पियाजे की पहली स्टेज सेंसरी ते मोटर, उसका मतलब ही एक्शन नाल सीखता है, और लास्ट ते जां हाईएस्ट डिफिकल्ट जिहड़ा लर्निंग है वो है सिंबॉलिक। सिंबल्स असी जिहड़े अपने माइंड च रिटेन रख सकते हैं, सिंबल वो हुंदे है जिहड़े किसी होर चीज़ नूं रीप्रजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इत्थे ए प्रश्न किसी होर चीज़ नूं रीप्रजेंट कर रहा है, पंजाबी ये कुछ नहीं पंजाबी है, पंजाबी लोग हो सकते, पंजाबी भाषा किसी होर चीज़ में रिप्रजेंट कर रहा है। सो शुरुआत एक्शन तो होंगी है, जेकर यह भी पूछा जाए कि बच्चे का स्टाइल केड़ा होंदा है लर्निंग का, वो एक्शन ओरिएंटेड ही होंदा है, उसको किनस्थैटिक भी कहा जाता है, दैट इज़ वाई बच्चे किनस्थैटिक लर्निंग स्टाइल ही डोमीनेट हमेशा करता है। सो ये सब तो पहला देखो एक्शन ना ओरिएंटेड, एक्शन ना ओरिएंटेड सब शब्द केड़ा आ रहा है, जे सिंबॉलिक मैं सिंबल सब तो लास्ट से रखा है, इट मीन सिंबल सब तो लास्ट से कितने आ रहा है, इतने आ रहा है। ओके एक्शन आर रिलेटेड एन एक्टिव, एक्टिव एक मोड ऑफ लर्निंग उन्होंने दसिया सी। ओके सो पहला भी मिल गया, दूसरा भी मिल गया, आइकॉनिक जिहड़ा इमेज असी माइंड दे विच बनाने हैं उसनों आइकॉनिक मोड कहिंदे हन। सो ब्रूनर ने थ्योरी डिस्कवरी लर्निंग दे विच दसिया सी एनएक्टिव मोड के बच्चा छोटा बच्चा जोड़ा है एक्शन दे नाल सीखता है, फिर वो माइंड दे विच इमेजेस बनाउणियां शुरू करता है। जे तुसी बच्चे नूं छोटे बच्चे नूं अखबार दिओ तो छोटा बच्चा बेटा है उसनों फाड़ देगा, एक्शन नाल सीख रहा भी फाड़ के देख रहा की है, थोड़ा वड्डा हो जाता है उस तो बाद देखेगा लेकिन सिंबल नहीं पढ़ेगा इमेज नूं देखेगा वड्डिया वड्डिया, दैट इज़ वाई उस स्टेज पर तुसी बुक्स इमेज वाली देंदे हो। जो तो होर वड्डा बच्चा हो जाता है तो वह अक्षरों नूं रीड करना, सिंबल्स नूं रीड करना, मैथ्स की बुक नूं सिंबल्स नूं रीड करना, म्यूजिक के सिंबल्स नूं रीड करना वो शुरू करता, सिंबॉलिक स्टेज है। सो राइट आंसर इज, मैं एक अलग तो वीडियो कढ़ांगा जिहदे विच के पिछले पेपरां दे एनालिसिस दे बेस ते यह दस्या होएगा कि कुछ ऑप्शन या वर्ड जो पाए जाते हैं लगभग हमेशा ही गलत होंदे हन जां लगभग हमेशा ही सही ही होंदे हन। ओदा 70 क्वेश्चन्स नाल तुहाडे टेट दे 70 क्वेश्चन नाल संबंध है। सो मेरे ख्याल चो 20-30-40 क्वेश्चन उस दे वीडियो दे जरिए तुसी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक नीचे दिता गया होएगा। लर्न टू एक्चुलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।